सीमेंट आई है पुड़ी रही थी ना ठीक है कुंडो में थी रही जाने ना कासेल कर ना ना जते बड़ पानी पड़ी बड़ फटा बड़ देखिबे ना इनार नहदी तो काटी जाए ना अरे बैठे भैया जी जय बाबा जटेश्वर। आप डेली लगाते हैं दुकान? हाँ लगाते हैं। कितना साल से लगा रहे हैं? अभी जवाब नहीं कहाँ आई तो एक महीना हुआ। एक महीना हुआ कैसा है यहाँ पर? सेल साल ठीक है तो यहाँ के लिए देखे भैया के लिए रोड का डिमांड है यहाँ पे दूर से क्या रोड का दिक्कत है। अगर कोई आएगा बाबा का दर्शन करने के लिए तो बहुत मुसीबत झेल के आना पड़ता है। इसके लिए गाड़ी ठीक से चलता नहीं, एक बाइक ठीक से चलता नहीं। इसके लिए मेन है रोड। यहाँ का विधायक जी को आप दीजिए लेटर, कुछ लिख के दिया या कुछ बोलिए उनको जाके कि इस जगह को थोड़ा देखिए, अपना एरिया मत देखिए भैया। मैं देखिए बाबा के स्थान देखिए, हम लोग का भी थोड़ा हेल्प करिए। हाँ उधर कोई यहाँ पे रोड के लिए क्या बोलते हैं बाबा? रोड कर आप बोलता है क्या? रास्ता होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। बाबा का नाम है, आना जाना कर विकट थोड़ा है, जैसे सीमेंट गाड़ी अभी आ नहीं पाया, ट्रैक्टर आता था चक्का उड़ जाते, बहुत दिक्कत आता है, से होता कभी भगवान चाहे तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी एक्सीडेंट। प्यार से वो सोचेगा तो रास्ता बना देगा, बस बस रास्ता। आज तक यहाँ प्रशासन पहुँच नहीं पाया, सब ये सब कागज कलम में रह गया ये चीज। आदमी देखता है और भूल जाता है, एक बार कोई नारियल एक फोड़ देता है भाग जाता है और फिर दूसरा साल आता है। बिल्कुल बात सही है, ये चीज अब तक किसी के नजर में नहीं आया, नहीं आया, कंटिन्यू चलना चाहिए। जैसे ज्यादा 100 आदमी का परिवार यहाँ पे चलना चाहिए बाबा। हर कोई आता है, एक दिन नारियल फोड़ देता है फिर भाग जाता है। जय बाबा जटेश्वर। धीरज बाबा आए अभी, जय बाबा जटेश्वर। लाइए बाबा जी। अच्छा ठीक ठीक है ना? चलिए बाबा आप जो भी बोले सच बोले सही बोले, अभी पब्लिक को गवर्नमेंट को दिखना चाहिए यहाँ बाबा धाम नगरी का कुछ। हम लोग को इस हिसाब से थोड़ा असुविधा सुविधा है, आप थोड़ा आके ध्यान दें। डस्टबिन नहीं है हम लोग के पास, नल नहीं है सही से, पीने का पानी नहीं है, कुछ सफाई तरीका नहीं है बाबा के दर पे। जय बाबा जटेश्वर। हर महादेव। ऊपर जाके नल साफ करना होगा, स्लिप करेगा पूरा, देखिएगा काम को लेके जा रहा है। अरे हम बनाने वाला ना।